हेलो दोस्तों, टेकी नूरुल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम JBL 2.0 वायरलेस साउंड बार का अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू करेंगे। नॉर्मली साउंड बार से टीवी के ऑडियो को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साउंड बार के अलावा होम थिएटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से सिचुएशंस में साउंड बार इस्तेमाल करना है, कौन से सिचुएशंस में होम थिएटर्स इस्तेमाल करना है। उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। साउंड सिस्टम का एनहांसमेंट मतलब सिर्फ लाउडनेस एनहांस करना नहीं, साउंड क्वालिटी को भी एनहांस करना, मतलब बेस को एनहांस करना, क्लैरिटी और सराउंड सिस्टम के लिए साउंड बार्स या होम थिएटर्स के इस्तेमाल करते हैं। सो ये JBL 2.0 साउंड बार मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ आता है, मतलब इस साउंड बार में ब्लूटूथ ऑप्शन दिया गया है, मतलब वायरलेसली इस साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ HDMI ARC पोर्ट दिया गया है और ऑप्टिकल पोर्ट दिया गया है और आर्क्स पोर्ट दिया गया है। टीवी में जो भी पोर्ट अवेलेबल है उस पोर्ट से साउंड बार को कनेक्ट करना होता है। अगर टीवी में ब्लूटूथ अवेलेबल हो तो ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस आके HDMI ARC इस्तेमाल करना बेटर है, क्योंकि HDMI ARC हाई डेफिनेशन ऑडियो को सपोर्ट करता है। यह साउंड बार डॉल्बी सराउंड को सपोर्ट करता है। फर्स्ट इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद में इसका साउंड क्वालिटी कैसा है चेक करेंगे। साउंड बार का बॉक्स कुछ इसी तरह से दिखता है। बॉक्स के ऊपर साउंड बार का पिक्चर दिया गया है और बॉक्स के ऊपर लेफ्ट साइड JBL हरमान करके लिखा हुआ है, बार स्टूडियो 2.0 चैनल साउंड बार विथ ब्लूटूथ करके लिखा हुआ है। नीचे के साइड ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है, HDMI और डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। बॉक्स के दूसरे साइड HDMI डॉल्बी ऑडियो करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। पैकिंग काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट साउंड बार देखने के लिए मिलता है, इसको बाहर निकाल देते हैं, इसको बाजू में रख देते हैं। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर और क्या कंटेंट्स आते हैं देखेंगे। इसके अंदर और एक बॉक्स दिया गया है। नेक्स्ट छोटे से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट यूजर मैनुअल दिया गया है, क्विक स्टार्ट गाइड, इसको बाजू में रख देते हैं। नेक्स्ट पूरे केबल्स दिखाई दे रहे, ये ऑप्टिकल केबल है, इसको बाजू में रख देते हैं। नेक्स्ट रिमोट दिया गया है, रिमोट का क्वालिटी उतना खास नहीं, इसको बाजू में रख देते हैं। नेक्स्ट पावर अडाप्टर और केबल, इसको बाजू में रख देते हैं। नेक्स्ट आर्क्स केबल, अगर आर्क्स कनेक्शन को इस्तेमाल करना हो तो इस केबल के यूज करना होता है। नेक्स्ट दो ब्रैकेट्स दिए गए हैं, ये ब्रैकेट्स को वॉल माउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करना होता है। ये सारी चीज़ें बाजू में रख देते हैं। नेक्स्ट साउंड बार को ओपन कर लेते हैं। साउंड बार का पूरा लेंथ आके 2 फीट है, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और ऊपर के साइड फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, पावर ऑन एंड ऑफ बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और सोर्स बटन, रिमोट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पीछे के साइड पोर्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट पावर अडाप्टर रखने के लिए पावर जैक दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्टिकल पोर्ट, आर्क्स पोर्ट और USB पोर्ट। नेक्स्ट आके HDMI ARC पोर्ट। नेक्स्ट साउंड बार को टीवी को कनेक्ट करके म्यूजिक प्ले करके देखेंगे। तो साउंड बार को टीवी से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के लिए HDMI ARC पोर्ट का इस्तेमाल करा। अगर आपके टीवी में HDMI ARC पोर्ट अवेलेबल नहीं हो तो नेक्स्ट ऑप्शन आके ऑप्टिकल पोर्ट, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर HDMI ARC या ऑप्टिकल पोर्ट दोनों पोर्ट्स भी अवेलेबल नहीं हो तो नेक्स्ट ऑप्शन आके आर्क्स पोर्ट, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी टीवी ब्लूटूथ को सपोर्ट करता हो तो ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी आके HDMI ARC को देना होता है। HDMI ARC से एडवांटेज ये है कि टीवी के रिमोट से साउंड बार को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर टीवी को ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिकली साउंड बार भी स्टैंड बाय मोड में चले जाएगा। टीवी को ऑन करने से ऑटोमेटिकली साउंड बार भी ऑन हो जाएगा, ये एक एडवांटेज है। प्लस HDMI ARC सारे लेटेस्ट ऑडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। HDMI ARC क्या होता है मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, उसका लिंक ऊपर दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ARC को इस्तेमाल करने के लिए टीवी के HDMI ARC पोर्ट से साउंड बार कनेक्ट करने के बाद में टीवी के साउंड सेटिंग्स में जाकर चेंजेस करना होता है। उसके लिए सेटिंग्स में जाना होता है, कौन सा भी टीवी ले लीजिए, तो टीवी के सेटिंग्स में जाके साउंड सेटिंग्स में जाना होता है। साउंड सेटिंग्स में साउंड सेटिंग, यहाँ पर ARC मोड ऑन करना होता है। ARC मोड ऑन करने के बाद ही आपको ऑडियो थ्रू HDMI पोर्ट साउंड बार को आता है, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है HDMI ARC को इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट म्यूजिक प्ले करके
इसका साउंड क्वालिटी कैसा रहा चेक करेंगे। अब म्यूजिक प्ले करेंगे। नेक्स्ट और एक सॉन्ग प्ले करेंगे। नेक्स्ट डॉल्बी ऑडियो को प्ले करेंगे। नेक्स्ट डॉल्बी एटमॉस को प्ले करेंगे। एक्चुअली ये साउंड बार डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट नहीं करता, फिर भी टेस्टिंग के लिए प्ले करेंगे। तो डेमो के बाद में इस साउंड बार का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। फर्स्ट इस साउंड बार का बिल्ड क्वालिटी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। इस साउंड बार का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। फ्रंट साइड पूरा मेटल मेश के साथ आता है, इसके अंदर स्पीकर्स आते हैं और पीछे का साइड पूरा स्ट्रांग प्लास्टिक दिया गया है। तो प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो स्पीकर का साउंड आउटपुट आके 30 वाट्स है। नेक्स्ट इस साउंड बार का लेंथ आके 2 फीट है। तो लेंथ में तो छोटा है लेकिन इसका परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है। तो इस साउंड बार का इस्तेमाल करके मूवीज देखा और नॉर्मल टीवी प्रोग्राम्स देखा, इसका लाउडनेस भी अच्छा है और वोकल्स मतलब वॉइस क्लैरिटी जो है काफ़ी अच्छा है। मतलब वॉइस और म्यूजिक के बीच में क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं साउंड बार में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बास के बारे में बात करेंगे। तो ये साउंड बार जो है एक डिसेंट बास को जनरेट कर पा रहा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं उतना कम नहीं, लेकिन रूम पूरा हिल गया जैसा बास तो जनरेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके अंदर हमको डेडिकेटेड सबवूफर नहीं मिलता है। जो भी स्पीकर से उसी को इस्तेमाल करके बास को जनरेट करना होता है। नेक्स्ट इस साउंड बार में हमको डिफरेंट साउंड मोड्स दिए गए हैं, लाइक स्टैंडर्ड मोड, मूवी मोड, म्यूजिक मोड, वॉइस मोड और स्पोर्ट्स मोड। सो मूवी और स्पोर्ट्स मोड में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट इस साउंड बार में हमको सराउंड मोड ऑप्शन भी दिया गया है। जब भी हम लोग सराउंड मोड को ऑन करते हैं हम साउंड को फ्रंट, लेफ्ट, राइट और टॉप पूरे 4 साइड से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सराउंड मोड ऑप्शन तो एक्सेलेंट करके कह सकते हैं इस साउंड बार में। सो इस साउंड बार को मैं हॉल और रूम दोनों जगह इस्तेमाल कर रहा। तो मेरा रूम का साइज आके 15x15 है। सो रूम में इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा कंपेरेटिवली हॉल। तो रूम में इसका बास और सराउंड मोड अच्छा इफेक्टिव है, वही हॉल में आकर ठीक है बट उतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आपका रूम या हॉल का साइज 15x15 और उससे कम हो तो ये साउंड बार अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट इस साउंड बार में पूरे कनेक्टिविटी ऑप्शंस को टेस्ट करा, लाइक ब्लूटूथ का इस्तेमाल करा, HDMI ARC का इस्तेमाल करा, नेक्स्ट ऑप्टिकल पोर्ट का इस्तेमाल करा, आक्स पोर्ट का इस्तेमाल करा। सो सारे पोर्ट्स ठीक से ही काम कर रहे। नेक्स्ट इस साउंड बार में पेनड्राइव ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब पेनड्राइव लगा के अपने म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इस साउंड बार को ऑपरेट करने के लिए साउंड बार के ऊपर फिजिकल बटन दिए गए हैं। नेक्स्ट इस साउंड बार को ऑपरेट करने के लिए रिमोट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमोट में डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, लाइक इनपुट मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ब्लूटूथ, HDMI ARC, ऑप्टिकल, जो पोर्ट अवेलेबल है उस पोर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट साउंड मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सराउंड मोड ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट म्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट बास लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इस रिमोट में मिलते हैं, लेकिन रिमोट का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अगर नीचे गिरा तो रिमोट टूट जाएगा, लेकिन एक बार सेट करने के बाद में रिमोट की जरूरत नहीं होती। अगर आपका रूम या हॉल का साइज 15x15 या उससे कम हो तो ये साउंड बार अच्छा काम करता है। मैं और एक साउंड बार को ऑर्डर कर रहा, बहुत जल्दी उसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो इसके एक्चुअल प्राइस आके 9000 रुपीज़ है, मुझे ऑफर में 8000 रुपीज़ में मिला। तो ओवरऑल 8000 रुपीज़ में एक अच्छा साउंड बार है, क्योंकि इसका साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है और डॉल्बी सराउंड मोड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट डिफरेंट साउंड मोड्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा साउंड बार है 8000 रुपीज़ में। अगर आपके साउंड बार के बारे में कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।